हेलो एवरीवन, हम लोग कैटलॉन नंबर्स पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैटलॉन नंबर्स को किस तरह से हम रिकर्शन प्लस डायरेक्ट एड्रेस टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम एक और मेथड देखते हैं, मैट्रिक्स मेथड से। और ये मेथड हमारा एक सीरीज में कई सारे अगर हमें कैटलॉन नंबर जनरेट करने हैं तो उसके लिए हेल्प करेगा। और जो डिसएडवांटेजेस थे रिकर्शन के, जो एडिशनल मेमोरी हमें यूज करनी पड़ रही थी वो यहाँ पे यूज हमें नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एक मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में हम सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में सभी वैल्यूज को 1 इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसके बाद जो सेकेंड कॉलम हमारा है उसमें इस वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। और इसके बाद डायगनली जो वैल्यूज हैं इन दोनों का सम हम स्टोर कर देते हैं यहाँ पे। इसी तरह से इन दोनों का जो सम है वो यहाँ स्टोर कर देते हैं। सिमिलरली इन दोनों का जो सम है वो स्टोर कर देते हैं हम यहाँ पे। इन दोनों का जो सम है वो यहाँ स्टोर करते हैं। सिमिलरली इन दोनों का जो सम है वो यहाँ स्टोर करते हैं और इन दोनों का सम यहाँ स्टोर करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम इस वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। मतलब कि प्रीवियस कॉलम में हमने इसको सेट किया था, अब हम इसको सेट करें, मतलब कि एक रो नीचे। देन वही सेम काम करना है, इन दोनों का सम यहाँ पे, इन दोनों का सम यहाँ पे, एंड देन इन दोनों का जो सम है वो यहाँ पे। सिमिलरली ये 20 और ये 27। नेक्स्ट में हम इसको रिपीट कराते हैं और इसके बाद इन दोनों का जो सम है वो यहाँ स्टोर करते हैं। सिमिलरली 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28, 20 प्लस 28 इज इक्वल टू 48, एंड देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 75, 47, 48 प्लस 27। नेक्स्ट में हम इसको रिपीट कराते हैं, इसका मतलब है कि ये 14 हो गया, दिस वैल्यू इज 42, दिस इज 90, एंड दिस इज 165। नेक्स्ट में हम इसको रिपीट कराते हैं, सो दिस वैल्यू इज 42, दिस इज 132, एंड दिस इज 297। फाइन, नेक्स्ट में हम इसको रिपीट कराते हैं एंड देन इसके बाद इन दोनों का सम यहाँ स्टोर कर देते हैं। सो दिस वैल्यू इज 9, 2, एंड 4, 429, राइट। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज C0, दिस वैल्यू इज C1, दिस वैल्यू इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5, दिस इज C6, एंड दिस इज C7। तो इसको रेफरेंस लेते हुए हम ये कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि हमने कितनी रोज लेनी थी हमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि 7 रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, इसका मतलब 8 कॉलम्स। इसका मतलब है कि अगर आपको C7 तक फाइंड करना है तो आपको जो मैट्रिक्स लेनी है वो M78 की लेनी है। अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें, अगर हमें n नंबर्स तक या n कैटलॉन नंबर्स निकालने हैं, सो दिस विल बी m(n)(n+1) साइज। इसका हम एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहले हम क्या करना है कि जो सबसे पहला कॉलम है या 0 नंबर कॉलम है, इसकी सभी वैल्यूज को इनिशियलाइज करना है 1 से। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 to n-1, क्योंकि टोटल n 0 से लेके n-1 इंडेक्स तक हम रोज मान रहे हैं। हमें क्या करना है कि हर रो के 0 कॉलम के एलिमेंट को 1 इनिशियलाइज कर देना है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट वी हैव डन। इसके बाद एक k हम ले लेते हैं, ये हमारा वो वैल्यू बताएगा या उस रो की वैल्यू बताएगा जिसको हमें प्राइमरीली सेट कर देना है और उसके नीचे की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहले ये सेट किया, फिर ये सेट किया, फिर ये सेट किया, फिर ये सेट किया, ये सेट किया, ये सेट किया और ये सेट किया। तो इसको हम k के थ्रू वेरी कराते हैं। पहले k इक्वल टू 0 ऐसे ले लेंगे, फिर k को 1 कर देंगे, फिर k को 2 कर देंगे, फिर k को 3 कर देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हमें जो वैल्यूज फाइंड करनी है, जिस k को हम सेट करेंगे उसके नीचे की वैल्यूज को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि हमें जो एंट्रीज फाइंड करनी है वो कॉलम वाइज फाइंड करनी है। इसका मतलब कि कॉलम मेजर ऑर्डर में फाइंड करनी है। तो हमें एक कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा, 0 नंबर कॉलम को हमें नहीं छेड़ना, हमें कॉलम नंबर 1 ऑनवर्ड्स आगे चलना है। टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स हमारे पास हैं वो n+1 है, इसका मतलब उसके इंडेक्सेस 0 से n तक होंगे, जिसमें 0 नंबर कॉलम से हमें कोई भी नाता नहीं है, हम केवल 1 नंबर कॉलम ऑनवर्ड्स वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो जे इक्वल्स टू 1 to n डू, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो kth रो की j कॉलम की एंट्री है
इसको हमें इनिशियलाइज करना है या इसको हमें सेट करना है, ये प्रीवियस रो के सेम कॉलम की वैल्यू को रिपीट करेगा। जैसे कि जब हमने के की वैल्यू को जीरो लिया तो उस प्रीवियस प्रीवियस जो हमारा जस्ट सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, इसको इसको सही कर लेते हैं। ये एक्चुअली ऐसे सेट करेगा कि के और जे माइनस वन, मतलब कि सेम रो में प्रीवियस कॉलम की एंट्री को रिपीट करेगा, सेम रो में प्रीवियस कॉलम की एंट्री को रिपीट करेगा। एक बार हमने इसको कर लिया, देन इसके बाद हमें अपडेशन करना है। क्या अपडेट करना है? हमें इसके ठीक नीचे वाले रो से स्टार्ट करना है अपनी एक्टिविटी। सो फॉर आई इज इक्वल्स टू के प्लस वन टू एन माइनस वन टू, हमें क्या करना है? मैट्रिक्स की एंट्री को सेट करना है। तो मैट्रिक्स की एंट्री कैसे सेट होगी, एक रेफरेंस लेके हम देख लेते हैं। मैट्रिक्स की एंट्री हमें सेट इस तरह से करनी है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली एंट्री हमें फाइंड करनी है। तो ये जो एंट्री है, अगर हम मान लें कि ये आई जे रो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू आ रही है इन डायगनल वाले से। तो ये जो एंट्री है वो सेम रो में प्रीवियस कॉलम की वैल्यू है, और ये जो 14 है ये क्या है? सेम कॉलम में प्रीवियस रो की वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि एम आई जे जो एंट्री हमें फाइंड करनी है, दिस इज इक्वल्स टू एम आई माइनस वन जे प्रीवियस रो सेम कॉलम वैल्यू प्लस आई जे माइनस वन, इसका मतलब सेम रो प्रीवियस कॉलम की वैल्यू। और जब हम एक कॉलम के सभी वैल्यूज को, सभी रोज की वैल्यूज को सेट कर देंगे, तो के को अपडेट कर देंगे वन से, इंक्रीमेंट कर देंगे वन से, ताकि अब हम नए एलिमेंट की तरफ आगे बढ़ें। अगर के की वैल्यू जीरो थी, देन हम के की वैल्यू वन पे चलेंगे, फिर के की वैल्यू टू पे चलेंगे, फिर के की वैल्यू थ्री पे चलेंगे। और जब हम के की वैल्यू थ्री हम सेट कर रहे हैं, तो जो एंट्रीज हम सेट करना स्टार्ट करेंगे वो के इक्वल्स टू फोर, देन फाइव, एंड सो ऑन सो फोर्थ, लास्ट रो तक सेट करेंगे। तो ये मेरा एल्गोरिथम हो गया। आइए इसी को हम कोड करके देख लेते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स ली है। हम 15 कैटलॉन नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए 15 16 साइज का, हमने 15 क्रॉस 16 साइज का एक मैट्रिक्स लिया, उसके सभी एलिमेंट्स को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद हमने इस मैट्रिक्स में हर रो के फर्स्ट कॉलम या जीरो नंबर कॉलम की वैल्यूज को वन सेट कर लिया। हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करके देखते रहेंगे। जैसे कि हमने जब वन नंबर जीरो नंबर रो कॉलम में सभी एंट्रीज को वन सेट कर लिया, तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में सभी वैल्यूज जीरो सेट हो गई हैं और बाकी कॉलम में सारी वैल्यूज जीरो हैं, क्योंकि हमने जीरो से इनिशियलाइज किया था। अब हमने क्या किया कि के इक्वल्स टू जीरो सेट कर दिया है। तो के इक्वल्स टू जीरो को सेट करने का ये मीनिंग है कि हमने रो नंबर जीरो से पहली वैल्यू को हम सेट करना स्टार्ट करेंगे। जो हमने एल्गोरिथम लिखा था उसी के हिसाब से कॉलम मेजर ऑर्डर फंक्शन पैटर्न में हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। तो जे इक्वल्स टू वन से 15 तक पहले कॉलम नंबर वन की वैल्यू हमने एक वैल्यू को सेट किया, तो एम के जे इक्वल्स टू एम के जे माइनस वन। इसके बाद उस रो से नीचे के सारी एंट्रीज को हमें फाइंड करना है सेम कॉलम में। तो एम आई जे इक्वल्स टू एम आई माइनस वन जे प्लस एम आई जे माइनस वन, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एल्गोरिथम पार्ट में। जैसे ही सारी वैल्यूज अपडेट हो जाए एक कॉलम की, के को एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो अब ये जो मैट्रिक्स हमारी बनी है, इस प्रोसेस के हिसाब से एक बार इस मैट्रिक्स को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। सो आप ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारी जो मैट्रिक्स की एंट्री है वो बिल्कुल वैसी आ रही है जैसी हमने डिजाइन की थी एल्गोरिथम में अपने। सो 1 2 5 14 42 132 429, सो ये हमारे सारे के सारे कैटलॉग नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें केवल कैटलॉग नंबर अगर हमें प्रिंट करना है, अभी हम लोगों ने पूरी पूरी मैट्रिक्स प्रिंट कर दी, अब अगर हमें पूरा पूरा कैटलॉग नंबर जनरेट करना है, तो इस एग्जाम्पल को देखिए। यहां हमें कह रहे हैं कि जो पहला कैटलॉग नंबर सी वन है वो जीरो नंबर रो के वन कॉलम की एंट्री है, जो नेक्स्ट कैटलॉग नंबर है वो वन नंबर रो के टू नंबर कॉलम की एंट्री है, और जो थर्ड कैटलॉग नंबर है वो टू नंबर रो के थर्ड कॉलम एंट्री है। मतलब क्या है कि इंडेक्सेस की हम बात कर रहे हैं, जीरो रो वन कॉलम पहला कैटलॉग नंबर, वन रो टू कॉलम सेकेंड कैटलॉग नंबर, रो नंबर टू एंड कॉलम नंबर थ्री थर्ड कैटलॉग नंबर। फाइन, तो इसी तरह से हमें 15 कैटलॉग नंबर प्रिंट करने हैं। तो हम आई की वैल्यू को 0 से 14 तक वेरी कराते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज हमारी 14 है।
15 है, सॉरी 0 से लेके 14 नंबर इंडेक्सेस है उनके। जो कैटलॉन नंबर मेरा है वो आई आई प्लस वन है, इसका मतलब 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके बाद जो हमारा कैटलॉन नंबर है वो एक्स है, जो कि मैट्रिक्स की एंट्री है। और जो पहला जो कैटलॉन नंबर सी वन की हम बात करेंगे तो वो 0 नंबर रो में हमें सी वन मिलेगा। तो 0+1 मतलब कि सी वन की हम बात कर रहे हैं, 0+2 मतलब कि हम सी टू की बात कर रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसके बाद हम सारे कैटलॉग नंबर प्रिंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आइए इसको भी हम रन करके देखते हैं। सो यू कैन वेरी वेल सी दैट ऑल द कैटलॉग नंबर आर गेटिंग प्रिंटेड। पहले वन, फर्स्ट कैटलॉग नंबर 1, सेकंड कैटलॉग नंबर 2, थर्ड कैटलॉग नंबर 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, 9th कैटलॉग नंबर 4862। सो आई थिंक आपने इस मेथड को समझ लिया कि मैट्रिक्स से किस तरह से हम एक सीक्वेंस में प्राइम नंबर्स कैटलॉग नंबर्स जनरेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।